नमस्कार मोदी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है। हाँ अच्छा रुचि जी, आपकी इसमें रुचि है तो अच्छा लगा मुझे। अब ये बताइए कि आप ये जो केंद्र चला रही हैं उसके पहले आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, और फिर क्योंकि आपका बड़ा यूनिक नंबर है 10,000वां, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि जितने दिन से चला रही हैं आपका अनुभव क्या है। आवाज बंद हो गई रुचि पहले ही आपकी। असिस्टेंट फार्मासिस्ट हेलो हेलो, हाँ बताइए आवाज आ रही है जी। जी। मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ, और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जाए, जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो जन औषधि परियोजना, भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के जी धन्यवाद। 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत है, आपके साथ हो रही है, और ये भी बाबा धाम में हुआ है। ये बताइए कि जन जी औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? हम लोग देखते हैं आए दिन, जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है, तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही हैं, सस्ते में दवाइयाँ, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है, इस साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है, जिसके द्वारा मैं हमेशा जिंदगी रहती हूँ, और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूँ उतना बढ़ावा देती हूँ, और साथ साथ आए दिन जितनी भी जनता से मैं जुड़ सकती हूँ उनको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ 90% तक की छूट की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ वहाँ जिसने कभी आपकी जी दो दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? सर, नमस्कार नमस्कार, क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूं। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले कितना मैं खर्चा एक होता था, अभी पगड़ी कितना खर्चा का, होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3 हजार से 3,500 के अंदर अच्छा, हमारी इतना सारी दवाइयां मिल सारा जाती आपका पैसा बचत हुआ है, हैं। तो क्या ये बात आपने और लोगों की भी बताई क्या मेरे कि इससे कितना लाभ होता है और आपको जी दवाइयाँ अच्छी मिली?
बीमारी में भी साहस सुविधा हुई, तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी है, जितने भी मित्र कुटुंब है, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी है, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई खरीदवाया है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपका दुकान, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा जी, है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। और आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपये खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपये बचा है। कितने ही पकौड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो ये बात लोगों को बताइए आप।